मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में एक युवक द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फोटो अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी। वहीं भड़काऊ पोस्ट डालने के साथ ही बंदे कूटने के लिए तथा धमकी, कुटाई, घायल व मारने के लिए रेट खोलने की पोस्ट वायरल होने से पुलिस में हड़कंप मच गया। ये उत्तर प्रदेश में पहला मामला है जब सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का खुलेआम टेंडर जारी किया गया है। पुलिस ने पोस्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पिस्टल के साथ अपनी सेल्फी लेकर फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट के साथ डालने व बंदे कूटने से मारने तक के रेट खोलने की पोस्ट वायरल करना उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने जानकारी होते ही मामले का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पोस्ट डालने वाले युवक का पता किया तो उसकी पहचान चौकड़ा निवासी एक युवक के रूप में हुई। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि नेट पर पिस्टल के साथ पोस्ट में भड़काऊ पोस्ट का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच की जा रही है तथा जल्द कार्रवाई की जाएगी। युवक पीआरडी के जवान का पुत्र बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट। मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई है, तो पिस्टल के साथ क्या है पूरा मामला? ये अभी मेरी जानकारी में आया है, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप किया है कि एक युवक है, नव युवक है जो 18-19 साल का, एक सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में कोई अवैध असला या वैध है अवैध है वो अभी जांच का विषय है। वो देखने से अभी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है और उसने कुछ आपत्तिजनक बातें भी उसमें की हैं जो कि ग्राम चोपड़ा का बताया जा रहा है कि ग्राम चोपड़ा का रहने वाला है। इसके संबंध में मैंने अभी एसओ चरथावल जो है उनको निर्देशित किया है, वो उस मामले की जाँच कर रहे हैं और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी है तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा और इसमें कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। इसके परिवार में कोई पुलिस विभाग से बताया जा रहा है कैसी कोई जानकारी में आया कि शायद पीआरडी में उसके फादर पीआरडी में कार्यरत हैं और उसकी भी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई मामला है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।